मामला बागपत के बड़ौ शहर के चौराहे गिरवीर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल का है, जहां आकाश अपनी पत्नी का उपचार करने के लिए पहुंचा था। जब उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हुई तो उसने अस्पताल संचालक से पत्नी का डिस्चार्ज का पर्चा बनवाया, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने इंजेक्शन पर MRP से दुगना पैसा वसूलने का प्रयास किया, जिसके बाद उपचार करने पहुँचे लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल संचालक प्रवीण चौधरी और मेडिकल स्टोर संचालक पर उपचार करने पहुंचे लोगों ने मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। विकास जी, क्या मामला है? मामला है जी, मैं इस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ का इलाज करवाने के लिए, बुखार में थी बहुत ज्यादा और मैंने यहाँ इलाज करवा तो मैंने बोला सुबह मुझे छुट्टी कर दो, तो मैंने इनसे बिल बनवा दी और मैंने सारे इंजेक्शन जो इन्होंने लगाए थे मैंने टोटल रख रखे हैं इंजेक्शन, और इन्हें कहा मगर मेरा बिल जोड़ दो, तो इन्हें बिल जोड़ा। जो इंजेक्शन 268 रुपए का इंजेक्शन है वो इन्हें 447 रुपए का लगाया और मैंने वो चीज़ सारी इनकी पकड़ ली, तो बार बार मुझे कह रहे रहने दो पैसा ले लो रहने दो, मैंने पैसे की टाल कर दी। भाई सबका जीवन है, सब है, सब आते हैं, इंसान गरीब आता है अमीर आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इन्हें। और धमकी और दे रहे कहने लगे ये नहीं वो कर देंगे ये कर देंगे। किस हॉस्पिटल का मामला है? ये गिरवर हॉस्पिटल बावली और बावली चुंगी। क्या आप, मेरी पत्नी का बुखार था 4.400। हाँ टेस्ट कराए, टेस्ट भी नहीं किए डॉक्टर। मैं सूचना आपको दी, बस और सूचना तो अभी किसी को दी नहीं, मैंने तो घर बताया, बाप को बताया और यार दोस्तों को बताया, वैसे ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मेरा नाम मोहित कुमार जी, डॉक्टर मोहित कुमार जी, मैं ड्रग इंस्पेक्टर बागपत से। आज आपने यहाँ जांच की है? हाँ, क्या मामला था और क्या निकला? ये जो है प्रथम दृष्टया था, ये मुझे जो है न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला कि जो है यहाँ पर कोई इंजेक्शन है जो लगाया गया था 200 रुपये का और उसे चार्ज किया गया था 400 रुपये, उसके क्रम में मैं यहाँ पर आके जाँच कर रहा हूँ और इनके बिल वगैरह मैंने निकलवाने के लिए कह दिया है। इनके जो है फार्मासिस्ट जो है बिल निकाल रहे हैं और ये प्रोपराइटर खड़े हुए हैं, इनसे मैं इसके बारे में प्रथम दृष्टया जो मानक है जी तमाम पूरे हो रहे हैं मेडिकल स्टोर पे। हाँ मानक जो है वो पूरे स्टोर के पूरे हो रहे हैं, बस इनके यहाँ पे जो है फ्रिज नहीं है पाया गया अभी अंदर, फ्रिज ये कह रहे हैं कि ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जैसे कि फ्रिज हमें चाहिए होता है कि मेडिकल स्टोर के अंदर होना चाहिए, तो वो मेडिकल स्टोर के अंदर नहीं है फ्रिज, वो फ्रिज ये बता रहे हैं कि ऊपर फार्मेसी से ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी भी जाँच करूँगा, अगर उसमें दवाइयाँ हैं तो फिर उसको नीचे पहुँचाया जाए। ठीक,